जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, आइसोमेर का दो पार्ट आया था, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपका। इसमें अगला जो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर भी सेम दिखेगी आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपको सेम दिखेगा, पर डिफर इन द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो इसमें एक आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक आता है कन्फ्रिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। अब आपका जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो आपका आएगा, और जो कन्फ्रिग्रेशनल आएगा, इसमें भी आपको अलग अलग से पता चलेगा कि कैसे किसमें क्या होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो ये होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक था इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, इसमें क्या है स्ट्रक्चर भी सेम दिखेगी आपको, पर डिफर इन द अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये डिफर दिखेगा। फिर इसकी दो टाइप आएंगी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरी आएगी कन्फ्रिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब आपको देखना है कन्फ्रिग्रेशनल क्या होता है और कन्फर्मेशनल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म होगा उसमें आपका क्या होना चाहिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें लिखना द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इतनी बात तो इसमें सेम रहेगी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू ईच अदर बाई रोटेशन अराउंड एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू ईच अदर बाई रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ठीक है। अब देखना है कि कैसे कन्वर्जन
होगा। 13 मैंने ये लिया, एक वाई ऐसे बनाया, दूसरा ठीक है, इसमें मैंने आपका एच ए एच बी एच सी, एच ए एच बी एच सी। अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, मान ले ये था और ये ऐसे है तो इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल रोटेशन बॉन्ड, तो इसको मैंने 120 डिग्री पे रोटेशन किया, मान ले मैंने इसको फिक्स किया, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो आपका एच सी एच ए एच ए एच बी एच सी। तो आप इसको 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो जो आपका एच बी है वो इधर आ जाएगा, ये है, इसको मैंने फिक्स रखा, इसको एज इट इज एच सी एच ए एच बी। तो मैं इसको इधर घुमाता हूँ, तो यहाँ पर एक सौ बीस डिग्री पे घुमाऊँगा तो एच बी एच सी नीचे आया, एच बी एच सी और आपका एच ए। जब आप इस इमेज को इसके ऊपर लेके जाएंगे और इस एक दूसरे इमेज के ऊपर लगाएंगे तो जहाँ पर एच सी था वहाँ पर एच ए आ गया। दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे आर नॉट सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, तो ये सही है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें लिखा द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर एंड कैन बी इजली कन्वर्टेड इन टू ईच अदर बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब इसको मैं एज इट इज उठा के यहाँ पर पुटअप करूँगा तो यहाँ पर तो एच ए एच ए आ जाएगा, एच बी आ जाएगा, एच सी आ जाएगा, बट यहाँ पर एच ए एच सी आ जाएगा, दैट इज नॉन सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगला आता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें दो टाइप आएंगी आपकी, एक आएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कन्फिग्रेशनल में क्या आएगा, द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉन सुपर मिरर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर एंड इजिली कन्वर्टेड इन टू ईच अदर एक्सेप्ट बाई ब्रेकिंग और मेकिंग बोन इज कॉल्ड कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। तो अगला इसमें कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। एंड कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड टू ईच अदर एक्सेप्ट बाई ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कॉल्ड कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म।
तो देखना द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉन सुपर इम्पेरिजेबल ऑन इच अदर एंड यहाँ तक सेम जो कन्फर्मेशन जो बताया था उसमें सेम एंड कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड टू इच अदर मतलब कन्वर्ट नहीं होते इसमें कार्बन कार्बन रोटेशन बॉन्ड नहीं होगी इसमें फिक्स रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा इसमें एक्सेप्ट बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग जब तक बॉन्ड टूटेगा या नहीं बनेगा जब तक वो आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म इसकी दो टाइप आएंगे कन्फिगरेशनल की इसमें दो टाइप आएंगी एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला इसकी टू टाइप्स एक तो ऑप्टिकल और दूसरा जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ठीक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसमें सेम वही बात द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें भी द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों में वही बात सेम लिखनी है यहां तक एंड बट दे डिफर ईच अदर बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर तो डिफर कहाँ करेंगे बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर किस में करेंगे ईच अदर इन देयर इफेक्ट टुवार्ड्स द प्लेज बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर टुवार्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट ये एक लाइट को उस तरफ मोड़ेगा एक लाइट को इस तरफ मोड़ेगा इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा तो एक राइट में करेगा मतलब दोनों इसमें जो आइसोमेरिज्म होंगे दो आइसोमेरिज्म मतलब उनके एटम स्पेस में अलग अलग पोजीशन में हो जाने के कारण अलग अलग रोटेशन शो करेंगे बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर
बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, इसमें भी यहाँ तक सेम बात, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, वहाँ भी सेम बात, दे बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिलेटिव, इन रिलेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें प्लेन पोलराइट को एक लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में रोटेट करेगा, यही डिफरेंस था। इसमें रिलेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग होंगे, वह मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आप कि कैसे होगा। एग्जांपल, इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये अबोव द प्लेन आएगा और ये बिलो द प्लेन आएगा। तो CH3 ये एक आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा ये दोनों लाइट को एक दूसरी तरफ मोड़ेगा, एक दूसरी तरफ मोड़ेगा, मतलब एक राइट की साइड मोड़ेगा, एक लेफ्ट की साइड मोड़ेगा। तो ये प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को अलग अलग वे में मोड़ेंगे। और दूसरा आपका जो ऑप्टिकल ना ये जियोमेट्रिकल था, जियोमेट्रिकल एक में आपका कार्बन कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड सीस, ये सीस कहलाता है। CH3 CH3 H ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। तो ये था आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।